ये अभी और इधर करो 20 मिनट पहले की घटना है। हाँ, इसमें ये हमारा जो 58 का क्षेत्र है, ये हमारा बॉर्डर एरिया भी है गाजियाबाद का, और थोड़ा सा ये आईटी सेक्टर है, यहाँ कई प्लॉट खाली हैं, थोड़ा सुनसान एरिया रहता है। यहाँ पे गाड़ी चोरी होने की, चार व्हीलर गाड़ियाँ चोरी होने की और गाड़ी लूटने की भी घटनाएँ साइलेंट जो हमारे यहाँ सतर्कता विशेष तौर से रहती है। और बैंकिंग आवर्स में, और इस आवर्स में हम लोग का जो हाई स्पीड बाइक है अपाची पल्सर RFZ, इनका इंस्ट्रक्शन रहता है कि इन गाड़ियों को रोका जाएगा, इन गाड़ियों को जरूर देखा जाएगा। 100% इनकी चेकिंग का इंस्ट्रक्शन PCR चौकी इंचार्ज और थाना प्रभारियों को है। उसी सापेक्ष में ये हमारा DPR के आगे भी पिकेट था हमारा इस समय, और एक गाड़ी है जो आप देख रहे हैं वाइट कलर अपाची जो हमेशा हमारे टारगेट पर रहती है, इसलिए गाड़ियाँ कई घटनाएं कर चुकी हैं और नंबर प्लेट भी नहीं थी, तो इनको रोकने का प्रयास किया गया। तो इनके द्वारा इनका हाव भाव और इनकी गतिविधियां तत्काल जो परिवर्तित हुई और पुलिस के लिए उन्होंने कोई कॉपरेट नहीं किया रुकने पे, सर भागे हैं ये। भागने में जब इनकी घेराबंदी इधर से उसी PCR ने की, तो ये तुरंत ही इनके हाथ में तमंचा दिखाई दिया, जिस पर फिर इनको ढंग से पुलिस ने भी अपनी सुरक्षा की दृष्टि में आते हुए एक्शन लिया है, और ये भागते भागते इस पार्क में भागते फायर किया उन्होंने, और हमारे फायरिंग से इनको एक मतलब जो हमारा एक फायर होता है कि इनको रोकने का प्रयास किया जाए, किसी तरह इनको पकड़ने का प्रयास किया, उसमें इसके पैर पे गोली लगी है और इसको जिला अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है, और जिसमें कि हमारी टीम ने बताया कि इसमें एक आदमी इन्हीं झाड़ियों के बीच से निकला है। सो बाइक में कितने लोग सवार थे? दो बताया जा रहा है। सर अपराधी इतिहास क्या है इसका? ये अभी जो नाम बताया गया है, इनका नाम अकबर मालूम चला है, और ये कहते हैं ले जाते समय से बताया कि रघुपुरा क्षेत्र का रहने वाला है, और इसके मुकदमे भी काफ़ी पंजीकृत हैं जिनकी जानकारी की जा रही है। इसमें इसने बताया कि गैंगस्टर का मुकदमा विजयनगर का है, तो गैंगस्टर का मुकदमा होना मतलब इसके ऊपर 3-4 मुकदमे और विजयनगर के होंगे, तो गैंगस्टर हुआ है, और यहाँ अपने क्षेत्र का हमारे पास रघुपुरा के 4 मुकदमे मालूम चले हैं, और मुकदमे की जानकारी कर रहे हैं। जो एक मोटा मोटी हमें अंदाजा है कि ये एक दर्जन से ऊपर मुकदमे का रहा है अभियुक्त। क्या कोई असलाह बरामद है इसके पास? जी जी, इसमें जिसने इसने फायर किया है 315 का एक असलाह यहाँ मिला है, और इसको प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल इनामी, और इसकी मैं भी जांच पड़ताल कर रहा हूँ। गैंगस्टर का मुकदमा और रघुपुरा के मुकदमे मालूम चले, और अभी तहकीकात कर रहे हैं कि कैसे मुकदमे में वांछित है या नेम्ड हुआ है, इसके बारे में पता कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।